केन याने सकना, तो सक आपको अगर वाक्य आते हैं मैं ये सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं, तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? केन किसको बताता है? क्षमता। ठीक है, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख चुके हैं कि कोई काम हम कर सकते हैं तो क्षमता के लिए केन का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या होगा? आई कैन। और फिर हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और वर्ब क्या आएगी बोलने के लिए? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई उर्दू लिख सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? माय ब्रदर। फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? फिर वर्ब क्या है? ना। क्या आएगा? माय ब्रदर कैन राइट। क्या है? उर्दू। ठीक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखिए, इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, यानी अब हम क्या लिखेंगे आगे? कैन। फिर क्या आएगा? यू। फिर हेल्प। मेरी क्या आएगा? मी। कैन यू? क्या आप तैर सकते हैं? इसमें भी कैन आगे आएगा, कैन यू और मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। अब फिर ये अफर्मेटिव आ गया, क्या आएगा? आई कैन। पढ़ने के लिए रीड। आई कैन रीड। क्या पढ़ सकता हूँ? इंग्लिश। ये देख रहे हो आप, इसमें यू कैपिटल या ई है, ये कैपिटल है ना, क्योंकि लैंग्वेज है। मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार। शारदा तैर नहीं सकती है। अब ये नेगेटिव आया है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमेशा नॉट लगाते हैं, तो क्या आएगा? शारदा तैर नहीं सकती है, तो क्या आएगा? शारदा cannot swim। क्योंकि ये हमने वाक्य अगर इसलिए लिए, क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट में क्या समझते हो, ता है, ती है, तो आप तुरंत क्या लगा देते हो? प्रेजेंट टेंस है ना, acies। लेकिन ये यहाँ पर ता तो दिख रहा है, लेकिन ये ता उस ता से अलग है, पढ़ता हूँ तो अलग है, लेकिन ये तार सिर्फ नहीं है बल्कि क्या है? सकता। ठीक है, ये इसलिए ये वाक्य अलग है, इनको हमने अलग कैटेगरी में। ठीक है, आ जाएगा समझ में कि अगर पढ़ता हूँ लिखता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये सत्ता वाले आएंगे तो आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे? केन का। थैंक यू।